ये कोटेशन आपने सुनी होगी, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समवन, सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं इज योर टाइम, वो आपका मूल्यवान समय है। बिकॉज व्हेन यू गिव योर टाइम, जब आप अपना समय देते हैं किसी को, यू आर गिविंग अ पोर्शन ऑफ योर लाइफ दैट यू विल नेवर गेट बैक। तो आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उसको दे रहे हैं जो कि आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। तो इसी मॉरल वैल्यू पर आज की हमारी स्टोरी बेस्ड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे बहुत ही अच्छी मॉरल वैल्यूज और साथ ही में सीखेंगे नए वर्ड्स, नए वर्ड मीनिंग्स और प्रोनंसिएशन, उच्चारण नए नए शब्दों का। साथ ही में कुछ ग्रामर स्ट्रक्चर्स जो भी इस पैराग्राफ में आएंगे, इस स्टोरी में आएंगे, वो भी हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो टाइटल है स्टोरी का, द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व। तो इसके ऊपर ही ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। इट हैड बीन सम टाइम सिंस जैक हैड सीन द ओल्ड मैन। इट हैड बीन सम टाइम, कुछ समय बीत चुका था, सिंस जब से, जैक हैड सीन द ओल्ड मैन। अब हैड आया है यहां पे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो है पास्ट परफेक्ट टेंस में। कॉलेज, गर्ल्स, करियर एंड लाइफ इटसेल्फ गॉट इन द वे। तो ये पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी चल रही है जैक की। तो पहले जैसे कि वो स्कूल जाता होगा, उसके बाद कॉलेज गया, फिर गर्ल्स उसकी जिंदगी में आई, फिर उसका व्यवसाय नौकरी में लगा होगा तो व्यवसाय आ गया, एंड लाइफ और जिंदगी इटसेल्फ गॉट इन द वे। तो ये सारी चीजें, कॉलेज, गर्ल्स, करियर और लाइफ, ये सारी की सारी चीजें रास्ते में आ गई। किसके रास्ते में? कि वो दूसरों से नहीं मिल पाता था और खासकर जो ओल्ड मैन है उसको देखे हुए उसको काफी टाइम भी हो गया था, क्योंकि ये चीजें आती गई, लाइफ आगे बढ़ती गई और वो नहीं मिल पाया उस बूढ़े आदमी से। इन फैक्ट जैक मूव्ड क्लियर अक्रॉस द कंट्री। इन फैक्ट वास्तव में जैक जो है मूव्ड क्लियर अक्रॉस द कंट्री, वो पूरे देश में ही घूम आया। तो कभी जैसे कॉलेज पढ़ने कहीं गया होगा, फिर उसका व्यवसाय कहीं पे लगा होगा, तो इधर उधर वो घूमने में लगा रहा और कभी उसको मौका ही नहीं मिला ओल्ड मैन से मिलने का। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, इन परसूट ऑफ हिज ड्रीम्स, अपनी ड्रीम्स या सपनों की खोज में लगा रहा और यहां वहां घूमता रहा, पूरे देश में घूमता रहा। देयर इन द रश ऑफ हिज बिजी लाइफ, तो वहां इन द रश ऑफ हिज बिजी लाइफ का मतलब है कि जिंदगी की व्यस्त जिंदगी है उसकी, उस जिंदगी की भाग दौड़ में जैक हैड लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट द पास्ट। जैक के पास हैड लिटिल टाइम था, लिटिल का मतलब है कम, जो कि बिल्कुल न के बराबर होता है। एक होता है लिटिल और एक होता है अ लिटिल। तो अ लिटिल होता है फिर भी कुछ तो है, और जो ये सिर्फ लिटिल होता है इसमें आर्टिकल कुछ नहीं आएगा अगर, तो उसका मतलब होता है कम या लगभग न के बराबर। तो जैक के पास लगभग कोई टाइम ही नहीं था सोचने का अबाउट द पास्ट, अपने बीते हुए टाइम के बारे में सोचने का बिल्कुल उसके पास वक्त नहीं था। एंड ऑफन नो टाइम टू स्पेंड विद हिज वाइफ एंड सन, और अक्सर कुछ भी टाइम नहीं मिलता था उसको बिताने का विद हिज वाइफ एंड सन, अपनी वाइफ और बेटे के साथ भी। तो उसका जीवन व्यस्त होता गया, अपनी लाइफ में वो बंधता चला गया, बहुत सारे काम आ गए, और ना तो अब जब घर में अपनी वाइफ और बेटे से ही नहीं मिलता है, ज्यादा टाइम नहीं बिताता उनके साथ, टाइम स्पेंड नहीं करता है, तो ओल्ड मैन जो कि उसका नेबर है, पड़ोसी है, उसके पास कहाँ मिलने का टाइम होगा। ही वॉज वर्किंग ऑन हिज फ्यूचर, तो जो जैक है वो काम कर रहा था, वॉज वर्किंग, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज के साथ वर्ब के साथ, वॉज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, वॉज वर्किंग, काम कर रहा था ऑन हिज फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए। एंड नथिंग कुड स्टॉप हिम, नथिंग मतलब कुछ भी कुड सका स्टॉप हिम, रोक उसे, और उसे कुछ भी नहीं रोक सका, बस वो आगे बढ़ना चाहता था, ऊंचा उठना चाहता था, अपने लिए नाम कमाना चाहता था, तो उसके लिए कोई भी उसे रोक नहीं सका, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था।
ओवर द फोन हिज मदर टोल्ड हिम। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर ने, जैक की मदर ने ओवर द फोन, फोन पर उसे कहा, टोल्ड हिम उसे कहा। ये है डायरेक्ट स्पीच, जो डायलॉग बोला जा रहा है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं, तो वो डायरेक्टली कौन बोल रही है, जैक की मदर बोल रही है, उसको फोन पर बता रही है, मिस्टर बेल्सर डाइड लास्ट नाइट। मिस्टर बेल्सर उन्हीं ओल्ड मैन का नाम है जो उनके पड़ोसी थे, नेबर थे उनके, कि मिस्टर बेल्सर जो है उनकी मृत्यु हो गई पिछली रात को, लास्ट नाइट पिछली रात को। द फ्यूनरल इज वेंसडे, इसमें डी साइलेंट होता है तो वेंसडे बोलते हैं, और फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, तो उसकी मदर है, बोल रही है कि जो अंतिम संस्कार है वो वेंसडे को होगा। अब देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, तो इसी डायरेक्ट स्पीच को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं जिसको, तो हम ऐसे बोल सकते हैं मदर टोल्ड जैक, या हिम में तो मदर टोल्ड हिम दैट, क्योंकि हम ये हटाएंगे तो यहां पे कुछ कंजंक्शन लगेगा, मदर टोल्ड हिम दैट मिस्टर बेल्सर हैड डाइड लास्ट नाइट, द फ्यूनरल वॉज वेंसडे, तो इसका वॉज बन जाता है, और जो डाइड है ये पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो रूल्स होते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बताया है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई वीडियो बनाया जाए तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, रूल्स के साथ आपको समझा दूंगी। तो ये हो गया, मेमोरीज फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड लाइक एन ओल्ड न्यूज रील। अब क्या हुआ, अचानक से क्योंकि जैक बहुत बिजी रहता है, और जब उसको पता लगा कि मिस्टर बेल्सर की मृत्यु हो गई है, तो तब क्या हुआ, मेमोरीज फ्लैश थ्रू हिज माइंड, तो उसके दिमाग में, मन में क्या हुआ, यादों की एक लहर सी दौड़ पड़ी, फ्लैश मतलब चमकने लगी, चौंधने लगी यादें, और किसकी तरह, लाइक एन ओल्ड न्यूज रील, एक पुरानी मूवी पिक्चर की तरह फ्लैश कर रही है, अलग अलग फोटोज आ रही है उसके दिमाग में, जब उसने टाइम अपना मिस्टर बेल्सर के साथ बिताया होगा तो मेमोरीज आने लग गई। एज ही सैट क्वाइटली रिमेम्बरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, और जब वो सिट का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सैट, जब वो बैठा चुपचाप क्वाइटली रिमेम्बरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, और याद करता हुआ अपने बचपन के दिन, तो अचानक से उसको सदमा सा लगा जब उसने सुना कि मिस्टर बेल्सर की तो मृत्यु हो गई है, और तब उसके दिमाग में बस यादें चमकने लगी जो उसने मिस्टर बेल्सर के साथ दिन बिताए होंगे। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमास में ये कहा गया है, जैक डिड यू हियर मी, तो मदर पूछ रही है, क्योंकि बिल्कुल ही फोन पर क्या हुआ, सन्नाटा हो गया, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है जैक, तो मदर पूछ रही है, जैक डिड यू हियर मी, जैक क्या आप मुझे सुन रहे हो, सुन सकते हो, ओ सॉरी मॉम, यस आई हर्ड यू, तो तब जैक को होश आता है कि मैं तो अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ, अभी कहते हैं सॉरी मॉम मदर यस हाँ मैंने सुना आपको, आई हर्ड यू, मैंने सुना आपको, हियर का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हर्ड, मैंने आपको सुन लिया है, इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई थॉट ऑफ हिम, ये देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इट हैज बीन है ये, इट हैज बीन सो लॉन्ग, बहुत समय हो गया है सिंस, जब से आई थॉट ऑफ हिम, मैंने उनके बारे में, मिस्टर बेल्सर के बारे में सोचा, बहुत समय बीत गया है, तो सोचना मिलना ये तो बहुत दूर की बात हो गई थी, क्योंकि जैक तो अपनी लाइफ में काफी बिजी था। आई एम सॉरी बट आई ऑनेस्टली थॉट ही डाइड ईयर्स अगो, और अब वो अपनी मदर से कुछ और बोलना चाहता है, तो इसलिए पहले सॉरी बोल रहा है कि सॉरी, लेकिन मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, या सोचता था, आपको बता रहा हूँ, आई ऑनेस्टली थॉट, मैंने ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैंने सोचा, ही डाइड ईयर्स अगो, कि उनकी तो बहुत सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी, मैं तो ये सोचता था, जैक सेड, अब फिर से इन्वर्टेड कॉमास है, तो कोई स्पीच है यहाँ पे, वेल ही डिडंट फॉरगेट यू, तो मदर कह रही है इस बार, तो जैक ने तो बोल दिया कि मैंने तो ये सोचा कि सालों पहले उनकी मृत्यु हो गई है, तो मदर अब बोल रही है, वेल ही डिडंट फॉरगेट यू, ओके, लेकिन जो वो मिस्टर बेल्सर थे वो आपको कभी नहीं भूले थे, डिड नॉट
फॉरगेट यू, आपको कभी नहीं भूले थे. एवरी टाइम आई सॉ हिम ही वुड आस्क. तो हीड है यहाँ पे, हीड तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. अगर आप खोल के लिखोगे तो ही वुड. आई सॉ हिम एवरी टाइम आई सॉ हिम ही वुड आस्क. जब भी मैं उन्हें देखती थी, सी का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सॉ. जब मैं उन्हें देखती थी, सी देखना, सॉ देखा. जब भी मैंने उनको देखा तो ही वुड आस्क, तो वो हमेशा पूछा करते थे हाउ यू वर डूइंग, कि आप कैसा कर रहे हो. जैक आपके बारे में हमेशा वो मिस्टर बेल्सर पूछा करते थे. ही वुड रेमिनिस, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, यहां लिखा है रेमिनिस. वो आपको याद करते थे अबाउट, यहां पे भी हीड जो है वो है ही वुड. ही वुड रेमिनिस अबाउट, वो आपको याद करते थे द मेनी डेज यू स्पेंट ओवर हिज साइड ऑफ द फेंस. वो चीजें याद करके जो दिन आपने स्पेंट ओवर, जो आपने बिताए हिज साइड ऑफ द फेंस. अब वो आपको पता है कि वो दोनों पड़ोसी हैं, तो बीच में एक बाड़ है, एक फेंस है. तो जैक जो है जब छोटा था तो उनकी बाड़ की तरफ चला जाता था, बाड़ के उस पार चला जाता था. एज ही पुट इट, जैसा कि उन्होंने कहा था. इसका मतलब है कि मिस्टर बेल्सर इस तरीके से बात करते थे जब भी उसकी मदर से मिलते थे, कि मुझे याद है वो वाले दिन जब जैक इस साइड आके मेरे साथ समय बिताता था. इस तरीके से उन्होंने मॉम को बताया था. मॉम टोल्ड हिम, तो मॉम ने उसको बता दिया ये. आई लव्ड दैट हाउस, ओल्ड हाउस ही लिव्ड इन. अब जैक सेड दिस, जैक कह रहा है, ये कोटेशन है उसकी जो उसने कही है, कि आई लव्ड दैट ओल्ड हाउस ही लिव्ड इन. मैं प्यार करता हूं उस पुराने घर से जिसमें कि वो रहते थे. कौन रहते थे? मिस्टर बेल्सर. जैक सेड, जैक ने बोला. यू नो, अब मदर बोल रही है, यू नो, आपको पता है जैक, आफ्टर योर फादर डाइड, जब आपके फादर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद मिस्टर बेल्सर स्टेप्ड इन. मिस्टर बेल्सर आगे आए थे टू मेक श्योर यू हैड अ मैंस इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ. टू मेक श्योर मतलब कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास, यू हैड, आपके पास हो अ मैंस इन्फ्लुएंस, एक आदमी का प्रभाव इन योर लाइफ, आपके जीवन में एक आदमी हमेशा रहे, तो वो आके आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे. तो जब आपके फादर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद मिस्टर बेल्सर ही थे वो जो आगे आए थे ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी जिंदगी में हमेशा एक आदमी की प्रेजेंस हो और आपको कभी भी अपने फादर की कमी महसूस ना हो. तो हेल्प जरूर करते थे वो, और आपके साथ खेलते थे, टाइम स्पेंड करते थे, और जैक आप भी उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, शी सेड. तो ये उसकी मदर ने कहा है जैक की. तो अभी माँ और बेटे में बात हो रही है, फोन पे बात कर रहे हैं वो लोग, पुरानी बातें याद कर रहे हैं. अब जैक बोल रहा है ही इज द वन हु टॉट मी कार्पेंट्री. He's, ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ही इज है यहाँ पे लिखा हुआ. अगर खोल के लिखते हैं तो पढ़ते टाइम हम बोलेंगे ही इज द वन हु टॉट मी कार्पेंट्री, ही सेड. तो जैक ने भी ऐसे बोला, हाँ वही तो थे वो एक हु टॉट, जिन्होंने मुझे सिखाया कार्पेंट्री. कार्पेंट्री होता है जैसे कि लकड़ी का काम करना, तो उसको बढ़ई गिरी भी बोलते हैं. तो लकड़ी के ऊपर जैसे काटना, उससे कुछ फर्नीचर बनाना, छोटी मोटी चीजें बनाना, कार्विंग करना, तो ये सब कारपेंट्री का काम उन्होंने ही तो मुझे सिखाया था, ही सेड. जैक ने बोला आई वुडंट बी दिस इन दिस बिजनेस इफ इट वॉजंट फॉर हिम. तो अब वो मम्मी को अपनी बता रहा है कि आई वुडंट बी इन दिस बिजनेस, मैं इस व्यवसाय में तो होता ही नहीं, इफ इट वॉजंट फॉर हिम, अगर ये उन्होंने, उनसे मैंने ये सब सीखा नहीं होता, या उनकी वजह से ही मैं इस बिजनेस में हूं. अब जिस बिजनेस में होगा अभी कहानी में नहीं बताया है, लेकिन वो उनको क्रेडिट दे रहा है कि उनकी वजह से ही जो कुछ मैंने सीखा आज मैं इस नौकरी में उनकी ही वजह से हूं. ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टीचिंग मी थिंग्स ही थॉट वर इम्पॉर्टेंट. तो जैक कह रहा है कि उन्होंने, ही स्पेंट, स्पेंड का पास्ट टेंस है, SPEND फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब सेकेंड फॉर्म इज स्पेंट. तो ही स्पेंट, तो ये वाला सेंटेंस कौन से में है,
सिंपल पास्ट में. ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, उन्होंने काफी समय बिताया टीचिंग मी थिंग्स, मुझे चीजें सिखाते हुए. ही थॉट, जो उन्होंने सोचा, वर इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए जरूरी है. मॉम, आई विल बी देयर फॉर द फ्यूनरल. तो अब जैक कहता है कि मॉम, आई विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई विल बी देयर, मैं वहां आऊंगा फॉर द फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार के लिए, जैक ने कहा. एज बिजी एज ही वॉज, ही केप्ट हिज वर्ड. अब जैसे कि व्यस्त जिंदगी तो जी रहा है, लेकिन अभी भी तो टाइम निकाल रहा है ना फ्यूनरल में शामिल होने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए. तो ये लिखा है एज बिजी एज ही वॉज. अब चाहे वो जितना भी व्यस्त था, ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपनी बात निभाई और वो आया उनके अंतिम संस्कार के लिए. जैक कॉट द नेक्स्ट फ्लाइट टू हिज होम टाउन. तो जो अगली फ्लाइट सुबह की थी उसने वो पकड़ी. कॉट, कैच का पास्ट टेंस है, कॉट, उसने वो फ्लाइट पकड़ी टू हिज होम टाउन, अपने घर के लिए. मिस्टर बेल्सर्स फ्यूनरल वॉज स्मॉल एंड अनइवेंटफुल. अब देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाया एस के साथ, तो इसका मतलब होता है मिस्टर बेल्सर का, के या की. तो इस वर्ड को पहले पढ़ते हैं, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, तो उसके साथ लगेगा का. मिस्टर बेल्सर का अंतिम संस्कार था स्मॉल एंड अनइवेंटफुल. स्मॉल मतलब छोटा और अनइवेंटफुल मतलब कि कुछ भी उसमें इवेंटफुल, ज्यादा लोग भी नहीं आए होंगे और बिना किसी, मतलब एक साधारण सा था. अब आपको बताएंगे रीजन भी क्यों था वो साधारण सा. ही हैड नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन. अब इसलिए क्योंकि उनके खुद के कोई भी बच्चे नहीं थे. ही हैड उनके नो चिल्ड्रन, तो कोई भी बच्चे अपने नहीं थे. एंड मोस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स, और उनके कई रिश्तेदारों में से भी हैड पास्ट अवे. पास्ट अवे मतलब गुजर गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी. काफी सारे रिश्तेदारों की भी मृत्यु हो गई थी, तो ज्यादा उनके जानने वाले नहीं थे, इसलिए उनका जो अंतिम संस्कार वाला इवेंट था वो बिल्कुल साधारण तरीके से और छोटे स्केल पर ही था, तो ज्यादा लोग नहीं आए थे. द नाइट बिफोर ही हैड टू रिटर्न होम, जैक एंड हिज मॉम स्टॉप्ड बाय टू सी द ओल्ड हाउस नेक्स्ट डोर वन मोर टाइम. द नाइट बिफोर, तो एक रात पहले, ही हैड टू रिटर्न होम, तो जब उसे घर आना था उससे पहले की रात को, जैक एंड हिज मॉम, जैक और उसकी मदर स्टॉप्ड बाय, रुक गए कहाँ पे, टू सी द ओल्ड हाउस नेक्स्ट डोर, उस पुराने घर को देखने के लिए. नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोस में, उस पुराने घर को जो पड़ोस में था उसको देखने के लिए. वन मोर टाइम, एक और बार. स्टैंडिंग इन द डोरवे, जैक पॉज्ड फॉर अ मोमेंट. डोरवे का मतलब होता है दरवाजे पर, तो स्टैंडिंग मतलब कि खड़ा हो रहा था, हुआ था जैक दरवाजे पर. जैक रुका, पॉज मतलब रुकना, फॉर अ मोमेंट कुछ मोमेंट के लिए, क्षण के लिए. तो एक होता है मूवमेंट और एक होता है मोमेंट, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. मोमेंट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए. तो वो रुका वहां पे दरवाजे पर. इट वॉज लाइक क्रॉसिंग ओवर इंटू, तो उसे कैसा लगा वहां खड़े होकर, जब उसने अंदर देखा होगा तो फिर से उसको बचपन की यादें ताजा हो गई. तो यहां लिखा है कि इट वॉज लाइक क्रॉसिंग ओवर इंटू एनदर डायमेंशन, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं अभी एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं. क्रॉसिंग ओवर मतलब मैंने पार कर लिया है और मैं पहुंच गया हूं दूसरी दुनिया में. एनदर डायमेंशन कि दूसरे पहलू मैंने देख लिया है अभी. अ लीप थ्रू स्पेस एंड टाइम, और जैसे कि अंतरिक्ष द्वारा. अ लीप थ्रू स्पेस एंड टाइम, जैसे कि उसने छलांग लगा दी हो और टाइम और स्पेस, बिल्कुल वहां पे उसने छलांग लगा दी हो, दूसरी दुनिया में वो पहुंच गया है. क्योंकि अभी वो प्रेजेंटली तो बड़ा है, मैरिड है और उनका अंतिम संस्कार अटेंड करने के लिए आया था, लेकिन अभी वो कौन सी दुनिया में पहुंच गया है, बचपन वाली दुनिया में. अब उसको पुरानी चीजें याद आ रही हैं, तो ये उसको कैसा लगा. इट इज अ लीप थ्रू स्पेस एंड टाइम, जैसे उसने कि एक छलांग लगा दी हो
स्पेस और टाइम को पार करते हुए। द हाउस वॉज एग्जैक्टली एज ही रिमेम्बर्ड, जो ये घर था उनका तो बिल्कुल वो वैसा ही था, एग्जैक्टली सेम टू सेम जैसा कि उसे याद था, एज ही रिमेम्बर्ड जैसा कि उसे याद था। अब बचपन की मेमोरीज होती हैं बहुत स्पेशल होती हैं और देर तक याद रहती हैं, तो उसको वही याद आ रहा है कि हाउस तो बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ है जैसा कि बचपन में रखते थे। क्योंकि मिस्टर बेल्सर भी अकेले ही रहते थे, उनकी फैमिली में कोई बच्चे तो थे नहीं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ छेड़खानी चीज़ों के साथ होती नहीं थी, घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। एवरी स्टेप हेल्ड मेमोरीज। अब वो जब अंदर जा रहा है डोरवे से दरवाजे से, एक एक स्टेप में उसको कितनी सारी यादें वापस आ रही हैं उसके दिमाग में। एवरी पिक्चर, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर। जैक स्टॉप सडनली। तो जैक के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ देख रहा है, जहाँ कुछ अगर फोटो लगी है या अगर कोई फर्नीचर का पीस रखा है, जैसे चेयर टेबल कुछ भी रखा हो, तो हर एक पीस के साथ, फर्नीचर के पीस के साथ भी कुछ यादें छिपी हुई हैं। तो जैक अचानक से रुका, स्टॉप सडनली, अचानक से रुक गया। अब इन्वर्टेड कॉमास में है, इसका मतलब कोई डायलॉग बोला है उसने, देखते हैं क्या बोला है। व्हाट्स रॉन्ग जैक, हिज मॉम आस्क। तो मॉम पूछ रही है, क्योंकि वो अचानक से चलते चलते रुक गया, तो मॉम उससे पूछ रही है व्हाट्स रॉन्ग जैक। ये भी वर्ड्स है, अगर खोल के लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को तो होगा व्हाट इज, क्या गलत है जैक, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रुक गए हो। द बॉक्स, अब ये फिर से इन्वर्टेड कॉमास में है, तो डायरेक्ट स्पीच है, जैक बोल रहा है। द बॉक्स इज गॉन ही सेड, जैक बोलता है कि जो एक वो बक्सा था वो तो चला गया, इट इज गॉन। व्हाट बॉक्स, मॉम आस्क। तो मॉम पूछ रही है कि कौन से बक्से की बात कर रहे हो। अब फिर से जैक बताता है, देयर वॉज अ स्मॉल गोल्ड बॉक्स दैट ही केप्ट लॉक्ड ऑन टॉप ऑफ हिज डेस्क, कि एक था गोल्ड, सोने का बक्सा, छोटा सा सोने का बक्सा, दैट ही केप्ट लॉक्ड, जिसको कि मिस्टर बेल्सर, कीप का पास्ट टेंस है ये केप्ट, जो वर्ब कीप है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, केप्ट है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि वो रखा करते थे लॉक करके ऑन टॉप ऑफ हिज डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर। आई मस्ट हैव आस्क्ड हिम 1,000 times। अब जैक जो है वो बचपन की बातें अपनी मॉम को बता रहा है कि आई मस्ट हैव आस्क्ड हिम, मैंने कई बार पूछ लिया होगा, और कई क्या, हजारों बार मैंने उनसे पूछ लिया होगा व्हाट वॉज इनसाइड, कि इस सोने के बक्से के अंदर क्या है। ऑल हीड ever tell me was, अब ये भी he would का contracted form है, तो he'd हम ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, all he'd ever tell me was, जो मुझे हमेशा, वह सब जो वह मुझे हमेशा बताते थे वो था, the thing I value most, कि इसके अंदर क्या चीज़ है, वो चीज़ जिसे कि मैं बहुत महत्व देता हूँ, अब most है तो सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, Jack said। तो हमेशा वो क्या बताते थे कि इसके अंदर वो चीज़ है जिसको मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। इट वॉज गॉन, तो अब तो वो यहाँ नहीं थी, वो चली गई थी कहीं। एवरीथिंग अबाउट द हाउस वॉज एग्जैक्टली हाउ जैक रिमेम्बर्ड इट। तो सब कुछ जो उस घर के बारे में था वो सेम टू सेम एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही था जैसे जैक ने बचपन में देखा था, जैसे जैक को याद था, एक्सेप्ट बस इसके अलावा, फॉर द बॉक्स, बस इस बॉक्स के अलावा, क्योंकि बॉक्स भी पहले उनकी डेस्क के ऊपर रहता था, बस वो मिसिंग था, बाकी घर बिल्कुल सेम टू सेम है। ही फिगर्ड समवन फ्रॉम द बेल्सर फैमिली हैड टेकन इट। तो जैक ने समझा या उसको समझ में आया कि कोई बेल्सर फैमिली का ही होगा, हैड टेकन इट, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, कि जिसने वो सामान ले लिया होगा, कौन सा सामान, वो सोने का बक्सा। अब इन्वर्टेड कॉमास में है ये डायरेक्ट स्पीच, नाउ आई विल नेवर नो व्हाट वाज सो वैल्यूएबल टू हिम, जैक सेड। तो जैक ने फिर बोला, अब आई विल, मैं कभी भी, फ्यूचर के लिए बोल रहा है, आई विल नेवर नो, अब मुझे कभी भी पता नहीं लगेगा व्हाट वाज सो वैल्यूएबल, क्या था वो इतना कीमती टू हिम, उनके लिए।
मिस्टर बेल्सल के लिए इतना कीमती क्या था, अब मुझे कभी भी वो पता नहीं लगेगा। आई विल, तो जैक ने ये बोला और फिर वो उसने एक और लाइन बोली है, आई बेटर गेट सम स्लीप, आई हैव एन अर्ली फ्लाइट होम मॉम। अब क्योंकि वो बिजी रहता है और वो तो अपना टाइम निकाल के आया था यहाँ पे, तो कहता है कि आई बेटर गेट सम स्लीप, तो मुझे अच्छा है कि कुछ नींद ले लेनी चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि आई हैव एन अर्ली फ्लाइट होम मॉम, क्योंकि अब मुझे कल सुबह की अर्ली फ्लाइट, जल्दी वाली फ्लाइट है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, मुझे घर जाना है मॉम। इट हैड बीन अबाउट 2 वीक्स सिंस मिस्टर बेल्सर डाइड। अब क्या हुआ, 2 हफ्ते बीत गए, इट हैड बीन अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते बीत गए जब से मिस्टर बेल्सर की मृत्यु हुई थी, तब से 2 हफ्ते बीत गए। रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क वन डे जैक डिस्कवर्ड अ नोट। तो जब वो घर आ रहा था जैक एक दिन काम से, तो जैक को डिस्कवर्ड अ नोट, उसको एक नोट या कोई चीज में मतलब लिखा हुआ कोई पर्ची डिस्कवर्ड पता लगी या मिली इन हिज मेल बॉक्स। मेल बॉक्स है जो लेटर बॉक्स जहां पे लेटर उसमें ना के डालता है, तो वहां पे उसको एक नोट मिला और उसमें क्या लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, सिग्नेचर रिक्वायर्ड ऑन अ पैकेज, नो वन एट होम, प्लीज स्टॉप बाय द मेन पोस्ट ऑफिस विदिन द नेक्स्ट 3 डेज, द नोट रेड। अब उस नोट में क्या लिखा हुआ था, सिग्नेचर रिक्वायर्ड ऑन अ पैकेज, साइन, साइन को बोलते हैं सिग्नेचर, फुल फॉर्म है इसका, कि साइन रिक्वायर्ड है, जरूरत है साइन की ऑन अ पैकेज, एक पैकेट के लिए, नो वन एट होम, कोई भी घर में नहीं है, प्लीज स्टॉप बाय द मेन पोस्ट ऑफिस, तो आप प्लीज रुके मेन पोस्ट ऑफिस के सामने विद इन द नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिन में, द नोट रेड, तो वो नोट में ये लिखा हुआ था। अर्ली द नेक्स्ट डे जैक रिट्रीव द पैकेज, तो जब जैक ने ये पढ़ा तो तुरंत ही जल्दी से अगले दिन ही जैक वो पैकेज फिर से वापस ले आया। रिट्रीव का मतलब होता है वापस मिल जाना, वापस खोज लेना, तो यहाँ पे उसको पैकेज जो है वो वापस मिल गया। द पैकेज वॉज ओल्ड एंड लुक्ड लाइक इट हैड बीन मेल्ड 100 years ago, तो जो पैकेज है वो बहुत ही पुराना था, एंड लुक्ड लाइक, और लग रहा था इट हैड बीन, कि वो पैकेज है मेल्ड, इट हैड बीन मेल्ड, कि उसे मेल किया गया हो या भेजा गया हो 100 years ago, 100 साल पहले। कहने का मतलब है कि वो पैकेज बहुत ही बुरी दशा में होगा, बहुत पुराना, और उसमें कुछ निशान वगैरह भी लग चुके होंगे, कि नया पैकेज नहीं लग रहा, पैकिंग लग रहा है कि बहुत सालों पहले भेजा हो किसी ने। द हैंड राइटिंग वॉज डिफिकल्ट टू रीड, अब उस पैकेज के ऊपर जो हैंड राइटिंग थी, कुछ लिखा हुआ होगा, वो भी बहुत मुश्किल थी पढ़ने के लिए। बट द रिटर्न एड्रेस कॉट हिज अटेंशन, लेकिन जो उसमें एक होता है टू द सेंडर, जिसको प्राप्त होना है उसका एड्रेस लिखा होता है फ्रंट साइड में, और पीछे की साइड में लिखा होता है रिटर्न एड्रेस, कि अगर ये पैकेज पहुंच नहीं पाता सेंडर के पास तो रिटर्न एड्रेस में भेजा जाए, तो रिटर्न एड्रेस कॉट हिज अटेंशन, तो रिटर्न एड्रेस ने उसका आकर्षण या उसको आकर्षित किया अपनी तरफ, उसका ध्यान खींचा अपनी तरफ, मिस्टर हैरल्ड बेल्सर, तो क्या नाम है उसमें, कि हैरल्ड बेल्सर का है वो पैकेज, जिनकी मृत्यु हो गई है उसके नेबर हैं जो, इट रेड, तो उसमें ऐसे लिखा था। जैक टुक द पैकेज आउट टू हिज कार एंड रिप्ड इट ओपन, तो अभी तो उसने कलेक्ट कर लिया है पोस्ट ऑफिस से पैकेज, तो जैक टुक द पैकेज आउट टू हिज कार, अब वो अपनी पैकेज जो है, पैकेट है, वो अपनी कार तक ले गया एंड रिप्ड इट ओपन, और उसको फाड़ के ओपन कर लिया, खोल दिया। देयर इनसाइड वॉज द गोल्ड बॉक्स, और उस पैकेज के अंदर क्या निकला, वही वाला गोल्ड बॉक्स जो जैक ढूंढ रहा था उस दिन, एंड एन एनवेलप, और एक लिफाफा भी था उसमें। जैक्स हैंड्स शुक, अब जैक, यहां अपोस्ट्रोफी है, एस है, तो जैक के हाथ शुक, शेक का पास्ट टेंस है शुक, तो ये है सिंपल पास्ट में सेंटेंस, तो जैक के हाथ कांप रहे थे एज ही रेड द नोट इनसाइड, जब वो एक नोट जो अंदर रखा था उसको पढ़ रहा था।
अब उसमें क्या लिखा था अंदर, अपॉन माई डेथ प्लीज फॉरवर्ड दिस बॉक्स एंड इट्स कॉन्टेंट्स टू जैक बेनेट। तो उसमें क्या लिखा था कि जब मैं मर जाऊं तो प्लीज फॉरवर्ड दिस बॉक्स, तो इस बॉक्स को प्लीज भेज देना, आगे भेज देना, एंड इट्स कॉन्टेंट्स, और जो भी इस बॉक्स के अंदर चीजें रखी है उसको भी भेज देना टू जैक बेनेट। तो जैक बेनेट के पास पहुंचाया जाना चाहिए ये बक्सा भी और उसके अंदर की चीजें भी। इट्स द थिंग आई वैल्यू मोस्ट इन माई लाइफ, यही वो चीज है जिसको मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं अपनी जिंदगी में। तो ये तो नोट में लिखा हुआ था, तो अब समझ में आया जैक को कि ये किसने भेजा था, मिस्टर बेल्सर ने भेजा था पहले से ही पोस्ट ऑफिस में, और ये बोला था कि अगर मैं मर जाऊं तो फिर ये वाले पैकेट को कहाँ पहुंचाना चाहिए, जैक बेनेट के पास। अ स्मॉल की वॉज टेप्ड टू द लेटर, और जो लेटर था ये एनवेलप के अंदर उसमें एक छोटी सी चाबी थी जिसको टेप लगा के अटैच किया हुआ था लेटर के साथ। हिज हार्ट रेस्ड एज टीयर्स फिल्ड हिज आईज, अब जैक का दिल जो है हार्ट रेस्ड तेजी से धड़कने लगा, एज टीयर्स फिल्ड हिज आईज, और जो आंसू थे उसकी आंखों में भर गए। जैक केयरफुली अनलॉक्ड द बॉक्स, और जैक ने बहुत ही ध्यान से अनलॉक मतलब खोला उस बॉक्स को। देयर इनसाइड ही फाउंड अ ब्यूटिफुल गोल्ड पॉकेट वॉच, तो देयर इनसाइड वहां अंदर ही फाउंड उसको मिला अ ब्यूटिफुल गोल्ड पॉकेट वॉच, एक बहुत ही सुंदर सोने की बनी हुई घड़ी, पॉकेट मतलब छोटी सी घड़ी जो कि आपकी पॉकेट में भी आ जाती है, राउंड होती है वो, तो पॉकेट वॉच मिली उसको उस बॉक्स के अंदर रखी हुई। रनिंग हिज फिंगर स्लोली ओवर द फाइनली एच्ड केसिंग, रनिंग हिज फिंगर स्लोली, अब उसने धीरे धीरे अपने उंगलियों को फेरा किसके ऊपर, ओवर द फाइनली एच्ड केसिंग, तो जो केसिंग थी जो आउटर कवर था उसका घड़ी का, तो उस पर कुछ नक्काशी भी करी हुई थी एच्ड, जो भी उसमें वहां पे डिजाइन बना हुआ होगा। धीरे धीरे उसने अपने हाथ को उसके ऊपर फेरा। ही अनलैच्ड, अनलैच्ड का मतलब होता है कुंडी खोलना, ठीक है, तो यहाँ पे है खोलना। अब जो ये पॉकेट वॉच किसी केस के अंदर रखी हुई है और उस केस में सुंदर सा कुछ डिजाइन बना हुआ है, तो उसी के ऊपर वो अपना हाथ फेर रहा है, फिर उसने क्या किया, अनलैच किया, फिर उसने खोला उसको द कवर, तो उस कवर को उसने खोला। इनसाइड ही फाउंड दीज वर्ड्स एनग्रेव्ड, और अंदर उसके उसने देखा कि कुछ वर्ड्स खुदे हुए खोद कर लिखे गए थे, क्योंकि वो तो वैसे भी कारपेंटर थे, क्योंकि उसने कारपेंट्री जैक को भी सिखाई है, तो कुछ अक्षर जो है या कुछ वर्ड्स हैं वो खुदाई करके लिखे गए थे। जैक थैंक्स फॉर योर टाइम, और उसमें क्या लिखा था, जैक आपने जो समय मेरे साथ बिताया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। हैरल बेल्सर, और उनका पूरा नाम क्या था, मिस्टर बेल्सर का हैरल बेल्सर, तो उन्होंने ये लिखा था कि जैक थैंक्स फॉर योर टाइम, क्योंकि अब उन्होंने जब वो जिंदा थे तब वो वाले मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते थे, जब जैक बच्चा था और उनके घर में आके समय बिताता था उनके साथ, तो वो उन्होंने मेमोरीज कितने सालों से अपने साथ संजोए हुए रखी थी, और उसको बाद में थैंक यू भी बोला है मरने से पहले, ये उनको याद है कि मुझे थैंक यू भी बोलना है जैक, क्योंकि उसने अपना सबसे मूल्यवान समय मेरे साथ बिताया है। अब देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो इसका मतलब ये भी किसी के द्वारा कही गई है बात। द थिंग ही वैल्यूड मोस्ट वॉज माई टाइम, ये जैक बोल रहा है या सोच रहा है मन में कि जो चीज़ ही वैल्यूड मोस्ट, जिसको वो सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, वॉज माई टाइम, वो तो मेरा समय था जो मैं उनके साथ बिताता था। जैक हेल्ड द वॉच फॉर अ फ्यू मिनट्स, जैक ने वो जो वॉच थी पॉकेट वॉच उसको, होल्ड का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हेल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड, तो उसको पकड़ा थोड़ी देर के लिए, फॉर अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट्स के लिए। देन कॉल्ड हिज ऑफिस, और तब उन्होंने अपने ऑफिस, जैक ने अपने ऑफिस में फ़ोन किया, एंड क्लियर्ड हिज अपॉइंटमेंट्स फॉर द नेक्स्ट टू डेज, और फिर उन्होंने क्लियर्ड हिज अपॉइंटमेंट्स, जो भी उनकी अपॉइंटमेंट होगी वो रद्द कर दी या कैंसिल कर दी फॉर द नेक्स्ट टू डेज, अगले दो दिनों के लिए। वाई, जैनेट हिज असिस्टेंट आस्क्ड,
तो जहाँ वो काम करते हैं ऑफिस में, वहां पे उनकी असिस्टेंट है जिसका नाम है जैनेट। वो पूछती है व्हाई, क्यों कैंसिल कर दें अगले 2 दिन की अपॉइंटमेंट? तो जैक आंसर देता है आई नीड सम टाइम टू स्पेंड विद माई सन, मुझे कुछ समय चाहिए अपने बेटे के साथ समय बिताने के लिए। तो अब उसने वो समझ लिया है कि भाई समय की क्या ताकत होती है या क्या इम्पोर्टेंस होती है। वो अब उनको याद आ रहा है जैक को कि मेरी भी एक फैमिली है, एक वाइफ है, एक बेटा है। तो वो कहते हैं कि आई नीड सम टाइम टू स्पेंड विद माई सन, मुझे टाइम की ज़रूरत है, मुझे टाइम बिताना है अपने बेटे के साथ। ही सेड, उन्होंने कहा, ओह बाय द वे जैनेट, और एक और चीज़ उनको याद आई वहाँ पे उस टाइम, तो वो कह रहे हैं ओह बाय द वे जैनेट, वैसे जैनेट थैंक्स फॉर योर टाइम। अब वो भी अब इतना समझ गया है जैक कि जो भी अपना मूल्यवान समय किसी के साथ बिताता है उसको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था दैट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समवन इज़ योर टाइम, बिकॉज व्हेन यू गिव योर टाइम यू आर गिविंग अ पोर्शन ऑफ योर लाइफ दैट यू विल नेवर गेट बैक। तो जो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर आप किसी ज़रूरतमंद के साथ अपना टाइम बिताते हो, ये तो आप स्टोरी में देख रहे हो कि एक जो मेन कैरेक्टर है इसका, वो अपनी फैमिली के साथ ही उसको टाइम बिताने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे टाइम निकालें, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताएं, ज़्यादा टाइम इंटरनेट मोबाइल इसमें ना स्पेंड करें, कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के लिए निकालें, पेरेंट्स अपने बिजी शेड्यूल से अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। तो जो भी जिसकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस होती है एक दूसरे की, सब लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकालें, टाइम स्पेंड करें, क्योंकि टाइम तो चुटकियों में बीत जाता है, और एक बार टाइम चला गया अगर तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो समय पर समय रहते हुए जो प्रेजेंट है प्रेजेंट में रहो, और खुश रहकर अपना टाइम अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड करो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई है और कुछ सीखा है आपने, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।